आज हम क्लास फोर्थ इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर टू सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है. ओके, तो देखिए सब चैप्टर नंबर टू में आपको दिया है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मीन्स होता है विषय. ओके, एंड प्रेडिकेट, प्रेडिकेट इज दैट विधेय या फिर विशेषण जिसके बारे में हम या फिर इसकी डिटेल हम प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, इसकी डिटेल इसके बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ओके, तो देखिए क्या है यहाँ पर. एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स. ओके, प्रत्येक वाक्य में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं. वन इज़ क्या होता है, वन इज़ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग अबाउट हुम वी टॉक, एंड द अदर इज़ व्हाट वी टॉक. ओके, तो देखिए इसमें क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं. ठीक है, दो पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, एक व्यक्ति या फिर एक स्थान या जानवर या वस्तुएं, चीज़ें, ठीक है, अबाउट हुम वी टॉक, जिसके बारे में हम बातें करते हैं. जैसे पर्सन क्या कर रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, प्लेस, एनिमल, जानवरों के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में हम बातें करते हैं. ठीक है, हम बातें करते हैं जिसके बारे में, वो क्या हो गया, एक पार्ट हो गया. और दूसरा देखिए क्या होता है, जो सिर्फ हम बातें करते हैं, वो क्या हो गया, उसका दूसरा पार्ट हो गया. लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस. आप इस सेंटेंस को देखिए, देखिए क्या है, द बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड. लड़के मैदान में खेल रहे हैं. ओके, कौन खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं. अब देखिए इसमें आप इस, ये क्या है, एक पूरा सेंटेंस है. ठीक है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा और प्रेडिकेट पार्ट क्या होगा, ये आपको यहाँ पर डिटेल समझाई जाएगी. ठीक है, तो देखिए समझते हैं कि इसमें प्रेडिकेट पार्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और सब्जेक्ट पार्ट. तो देखिए इन द एबव सेंटेंस, यानी ये जो हमें सेंटेंस दिया है, वी आर टॉकिंग अबाउट द बॉयज़. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, द बॉयज़, यानी लड़कों के बारे में बातें कर रहे हैं. देयरफॉर, इसलिए द बॉय इज़, द बॉयज़ इज़ सब्जेक्ट. ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन खेल रहा है मैदान में, कौन खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, तो जिनके बारे में हम बातें करते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट. पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस का एक हिस्सा हो गया. ठीक, यानी ये सेंटेंस का एक पार्ट हो गया. अब इसका दूसरा पार्ट यानी प्रेडिकेट पार्ट हम सर्च करेंगे. एंड वी आर टेलिंग अबाउट देम दैट दे आर प्लेइंग इन द फील्ड. देखिए वी आर टेलिंग अबाउट देम, हम उनके बारे में क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं. ठीक है, हम उनके बारे में बता रहे हैं कि वे क्या कर रहे हैं. आर प्लेइंग इन द फील्ड, वे क्या कर रहे हैं, मैदान में खेल रहे हैं. ठीक, तो उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, तो वो क्या हो गया. देयरफॉर, इसलिए आर प्लेइंग इन द फील्ड इज़ प्रेडिकेट पार्ट. यानी ये जो आर प्लेइंग इन द फील्ड है, ये क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया. ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट. देखिए फिर से समझा रहे हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो होता है जिनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है, हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं, इनके बारे में, कि कौन खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं. ठीक है, तो जिनके बारे में हम बातें करते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम बात करें, बताएं कि वे क्या कर रहे हैं, तो वो पार्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो जाता है. और जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है इसका, प्रेडिकेट पार्ट, इसमें क्या होता है, वी आर टेलिंग अबाउट देम दैट दे, हम उनके बारे में बताते हैं कि वे कर क्या रहे हैं, यानी ये जो बॉयज़ हैं ये क्या काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सो रहे हैं, जा रहे हैं, खेल रहे हैं. ठीक है, क्या काम कर रहे हैं ये कर क्या रहे हैं. ठीक है, जो हम बताते हैं, ठीक है, उनके बारे में, इनके बारे में हम इस सब्जेक्ट यानी इस विषय के बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में हम जो भी चीज़ें बताते हैं, जो भी डिटेल बताते हैं कि इसकी एक्टिविटीज़ क्या है, ये क्या काम कर रहे हैं, ये क्या कार्य कर रहे हैं, वो पूरा पार्ट क्या हो जाता है, प्रेडिकेट हो जाता है. ठीक है, ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे, मैदान में खेल रहे थे, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा पार्ट प्रेडिकेट हो जाएगा. और देखिए प्रेडिकेट में एक चीज़ होती है कि प्रेडिकेट में हमेशा वर्ब इन्वॉल्व होता है. वर्ब यानी क्रिया, क्या काम कर रहे हैं वो लोग, खेल रहे हैं, प्ले मीन्स खेलना. तो देखिए ये प्रेडिकेट में आ गया कि नहीं, प्रेडिकेट में ये इन्वॉल्व है, ये पूरा प्रेडिकेट पार्ट है, और इस प्रेडिकेट पार्ट का ये क्या है, वर्ब है. और हमेशा प्रेडिकेट पार्ट में वर्ब होता है, मस्ट होता है. ठीक है, तो देखिए रिमेंबर यानी ये आपको याद रखने वाली बातें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको ऑलवेज़ याद रखनी है. ठीक है,
देखिए क्या है, द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मेनी वर्ड्स। देखिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक ही शब्द हो या बहुत सारे शब्द हो। जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट होता है वो क्या करता है, एक शब्द या फिर बहुत सारे शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इज इक्वल टू द कम्प्लीट सेंटेंस, यानी जब तक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाया ना जाए हमें एक कम्प्लीट सेंटेंस नहीं मिलता। इसलिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मिलाकर ही हमारा एक कम्प्लीट सेंटेंस बनता है, और उसी के बाद आपका कोई सेंटेंस अगर हो तो उसका सेंस भी निकलता है। अगर आप सिर्फ द बॉय लिख दोगे तो उसका तो कोई मतलब नहीं हुआ। द बॉय आर प्लेइंग इन द फील्ड, यानी लड़के मैदान में खेल रहे हैं, इसका कोई सेंस निकला, यानी हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को क्या किया, प्लस कर दिया। ठीक है, प्लस प्लस किया तो प्लस करने के बाद हमें क्या मिला, एक कंप्लीट सेंटेंस मिल गया। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस मिल गया। ओके, तो आप ये दोनों बातें हमेशा याद रखिएगा। और देखिए इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये चैप्टर का जो टॉपिक्स था ये क्लियर हो गया है। इसमें आपने जान लिया है कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। ठीक है, इसे आप और अच्छे से रीड करिएगा।